मैं तन्वी अलावत कक्षा 10वीं जी से आज आप सबको महावीर जन्म कल्याणक की शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं प्रभु महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को कुंडलपुर ग्राम में पिता सिद्धार्थ व माता त्रिशला के यहाँ हुआ। जब वे माँ के गर्भ में थे तभी से राज्य में चारों ओर धन धान्य व वैभव की वृद्धि हुई, अतः उनका नाम वर्धमान रखा गया। बचपन से ही वे साहसिक, निडर व हिंसक रहे, अतः लोग उनको महावीर नाम से पुकारने लगे। 30 वर्ष की आयु में संसार को त्याग उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके पश्चात समोसरण में उन्होंने उपदेश दिए और कितने ही लोगों का उद्धार किया। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी से वे मोक्ष पधारे। उन्होंने 4 तीर्थ की स्थापना की, साधु, साध्वी, श्रावक व श्राविका, अतः वे तीर्थंकर कहलाए। उन्होंने दुनिया को 5 सिद्धांत बताए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अपनी पूरी साधना काल में महावीर स्वामी ने कठिन तपस्या की और मौन रहे। इस दौरान उन्हें कई उपसर्ग आए जिन्हें उन्होंने समता भाव से सहन किए। जैन समुदाय भगवान महावीर का जन्म दिवस महावीर जन्म कल्याणक व निर्वाण दिवस दीपावली के रूप में मनाता है। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए सम्मान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी है, इसलिए हमें दूसरे के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखने चाहिए जो हमें स्वयं को पसंद है। यह महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। जय महावीर।